नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। गाजियाबाद के मसूरी पुलिस ने फर्जी कागजात पर लोन लेने वाले पति पत्नी गिरफ्तार किए। गाजियाबाद पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उनकी गिरफ्तारी कर रही है। गाजियाबाद के मसूरी पुलिस ने बैंक से फर्जी कागजात लगाकर लोन लेने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पति पत्नी ने मिलकर 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर 2 बैंकों से लोन लिया है। पति पत्नी ने फर्जी कागजातों के जरिए पंजाब नेशनल बैंक से 3.5 करोड़ रुपए व DLF बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया है। पुलिस के पास मुकदमा पंजीकृत कराया गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। सर, 1.7 करोड़ रुपए कुछ मामला सामने आया है जिसमें दंपति गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला क्या था और किस तरीके से इन्होंने फ्रॉड किया था? ये एक एंटी फ्रॉड सेल के माध्यम से नवंबर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पति पत्नी और मैंने बैंक के किसी कर्मचारी के साथ मिलकर उनके साथ फ्रॉड किया है। उसमें इस तरह से था कि ये संपत्ति जो दंपति की थी, इस संपत्ति को ऑलरेडी इन्होंने एक बैंक से लोन ले रखा था 3.5 करोड़ का। फिर वही संपत्ति फर्जी कागजों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी और उस पर भी लोन करवा के वो लोन का पैसा भी इन्होंने ही ले लिया। तो कुल मिला के इन्होंने लगभग 5-5.5 लाख रुपया लिया और उसमें ब्याज समेत मिला के लगभग इस समय 7 करोड़ के आसपास देनदारी इन लोग की है। और इसमें इस दूसरे व्यक्ति के साथ, जिसको कि फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर एक और रजिस्ट्री करवा दी गई, तो उसकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। इसमें जाँच हुई थी, उसके बाद ही मुकदमा पंजीकृत हुआ था। तो इसमें दोनों जो दंपत्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इंद्रजीत और। We'll be right back.